हेलो एवरीवन, वेलकम इन प्रोग्रामिंग ब्रेन चैनल। तो आज हम नए वीडियो के साथ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डायनामिक कंस्ट्रक्टर्स। अगर आप आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन, ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत वीडियो देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायनामिक कंस्ट्रक्टर्स क्या हैं, किस तरह से हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, ये है हमारा डायनामिक कंस्ट्रक्टर्स। तो चलिए पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि डायनामिक कंस्ट्रक्टर्स होते क्या हैं और उनको किस तरह से यूज करते हैं, फिर हम प्रोग्राम बना करके समझेंगे। डायनामिक कंस्ट्रक्टर जो होते हैं, हम कंस्ट्रक्टर में जब मेमोरी डायनामिकली एलोकेट करते हैं और वो भी न्यू ऑपरेटर का यूज करके, वही क्या कहलाते हैं हमारे डायनामिक कंस्ट्रक्टर। तो चलिए देखिए क्या कह रहा है, ये पढ़ लेते हैं। व्हेन एलोकेशन ऑफ मेमोरी इज डन डायनामिकली यूजिंग डायनामिक मेमोरी एलोकेटर न्यू इन ए कंस्ट्रक्टर, जब कंस्ट्रक्टर में डायनामिकली मेमोरी का एलोकेशन किया जाता है, किसका यूज करके, डायनामिक मेमोरी एलोकेटर न्यू ऑपरेटर का यूज करके, तो वो क्या कहलाता है, इट इज नोन एज डायनामिक कंस्ट्रक्टर। यानी के कंस्ट्रक्टर में डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डायनामिक मेमोरी एलोकेटर न्यू ऑपरेटर का यूज करते हैं, इट इज नोन एज डायनामिक कंस्ट्रक्टर। और ये क्या कहलाता है हमारा डायनामिक कंस्ट्रक्टर। बाय यूजिंग दिस, इसका यूज करके, वी कैन डायनामिकली इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट्स, हम ऑब्जेक्ट्स को डायनामिकली इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम प्रोग्राम बना करके इसको अच्छे से समझते हैं कि किस तरह से हम डायनामिक मेमोरी एलोकेट करते हैं ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो देखिए, ये हमारा प्रोग्राम है, इसमें हमने दो हेडर फाइल ओपन की है और तीन होनी चाहिए, कौन आईओ डॉट एच भी आप लोग खोल लीजिएगा। मैंने यहाँ पे आईओ स्ट्रीम डॉट एच और स्ट्रिंग डॉट एच, क्योंकि स्ट्रिंग फंक्शन भी मैंने यूज किए हैं इसलिए स्ट्रिंग डॉट एच भी ओपन की है। देखिए, डायनामिक नाम की मैंने एक क्लास बनाई है, तो क्लास के अंदर हमने एक वेरिएबल करेक्टर पॉइंटर टाइप लिया है जिसका नाम है str, और दूसरा वेरिएबल इंट लेंथ नाम का वेरिएबल लिया है। पब्लिक के अंदर एक हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया हमने, जिसमें कि लेंथ वेरिएबल और str वेरिएबल को जीरो से इनिशियलाइज कर देगा। देखिए, लेंथ इक्वल टू तो जीरो है, ये तो क्लियर है, हमारा जीरो स्टोर कर दिया, लेकिन स्ट्रिंग में डायनामिकली देखिए हम एलोकेट कर रहे हैं मेमोरी न्यू ऑपरेटर का यूज करके str के अंदर। तो str इक्वल टू न्यू ऑपरेटर यूज किया हमने, करेक्टर टाइप आपकी वैल्यू है, और कितने साइज का मेमोरी एलोकेट कर रहे हो आप इसमें, जितने साइज का हमारा लेंथ है प्लस वन। इसमें प्लस वन क्यों किया हमने, क्योंकि स्ट्रिंग में हमेशा एक लेंथ नल के लिए भी लेता है, तो इसलिए ये जो एक एक्स्ट्रा लेंथ इसमें हम प्लस कर रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं, नल के लिए कर रहे हैं। तो कितने साइज की मेमोरी एलोकेट कर देगा इसमें str में, जीरो प्लस वन, यानी कि वन साइज की, क्योंकि एक एक्स्ट्रा होगी नल की। तो ये था हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसमें हम केवल इनिशियलाइज कर रहे हैं लेंथ और str को, लेंथ को जीरो से, str को वन से। अब नेक्स्ट हमारा एक और कंस्ट्रक्टर है, जिसमें हमने पैरामीटर पास किया, देखिए करेक्टर पॉइंटर टाइप। इसके अंदर हमने क्या किया, देखिए जो भी हमारा स्ट्रिंग नीचे से हम पास करेंगे उसको कॉपी करना है हमें किसमें, जो वेरिएबल हमने str लिया है इसमें। लेकिन अब ये डायनामिक हम एलोकेट कर रहे हैं, तो जब चाहे जब जितनी लेंथ का आप स्ट्रिंग पास कर सकते हो, क्योंकि str में स्ट्रिंग स्टोर करने से पहले ये मेमोरी एलोकेट करेगा जितने साइज का आपका स्ट्रिंग होगा। तो देखिए क्या किया इस कंस्ट्रक्टर के अंदर इसने, पहले तो लेंथ काउंट कर ली जो स्ट्रिंग हमारा आया है, जो हमने कंस्ट्रक्टर कॉल कर से इसमें पास किया है, उसकी लेंथ काउंट कर ली देखिए हमने, और उसकी लेंथ काउंट करके हमने लेंथ में स्टोर कर दिया। और अब str में हम मेमोरी एलोकेट करेंगे डायनामिक, तो str इक्वल टू न्यू ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, देखिए न्यू
कैरेक्टर टाइप और लेंथ, जितनी भी हमारे स्ट्रिंग की लेंथ थी वो प्लस वन, एक एक्स्ट्रा, क्योंकि नल के लिए भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो जितना हमारा स्ट्रिंग था उतनी लेंथ की मेमोरी एलोकेट कर दी किसके लिए, एसटीआर के लिए। और अब हम जो स्ट्रिंग हमारा एस में है उसको कॉपी करेंगे एसटीआर में। तो एसटीआर सीपीवाई स्ट्रिंग कॉपी करो किसमें, एसटीआर में। किस स्ट्रिंग को, एस स्ट्रिंग को, जो भी एस में स्ट्रिंग होगा उसको कॉपी कर देगा एसटीआर में। और देखिए डिस्प्ले फंक्शन के अंदर हमने सिंपल एसटीआर को डिस्प्ले कर दिया, जो भी स्ट्रिंग आएगा उसको डिस्प्ले कर देगा। अब इसके साथ यहाँ पे मैंने एक फंक्शन और बनाया है मर्ज, उसमें हम क्या करेंगे, एक से ज्यादा स्ट्रिंग को मर्ज करेंगे। सपोज दो नेम या दो स्ट्रिंग आपने पास की है, उन दो स्ट्रिंग को मर्ज करेंगे। तो देखिए इसको डिस्क्राइब किया मैंने क्लास के बाहर, यहाँ क्लास क्लोज हो गई और ये मैंने डिस्क्राइब किया है। तो इसके अंदर हमने क्या किया है, तो यहाँ पे हमने डायनामिक, हमारी क्लास का नेम है, स्कोप रेजोल्यूशन के साथ फंक्शन का नेम मर्ज, दो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किए हैं, ऑब्जेक्ट एक्स और ऑब्जेक्ट वाई। अब ये जब नीचे से मर्ज फंक्शन को कॉल करेंगे हम मेन फंक्शन के अंदर, तो उस समय हम दो ऑब्जेक्ट पास करेंगे जिनका एड्रेस एक्स एंड वाई में स्टोर करेगा। सपोज एक स्ट्रिंग मैंने राम और एक श्याम, दो स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट को मैंने पास किया। अब हम इनकी लेंथ दोनों की मर्ज कर देंगे। पहले लेंथ इक्वल टू एक्स डॉट लेंथ प्लस वाई डॉट लेंथ, जो एक्स में स्ट्रिंग होगा उसकी लेंथ प्लस जो वाई में स्ट्रिंग होगा उसकी लेंथ, दोनों की हम ऐड कर देंगे और लेंथ में स्टोर कर देंगे। एंड डिलीट, यहाँ नेम नहीं होगा, यहाँ एस टी आर होगा क्योंकि हमने एस टी आर लिया है स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए। तो जो भी एस टी आर में स्टोर होगा उसको डिलीट कर देगा, क्योंकि अब हम इसके लिए नई मेमोरी एलोकेट करेंगे नया स्ट्रिंग स्टोर करने के लिए। तो देखिए अब ये ब्लैंक हो गया। उसके बाद हमने कहा एस टी आर इक्वल टू न्यू ऑपरेटर का यूज किया, करेक्टर टाइप दे दिया और लेंथ प्लस वन, जो भी इन दोनों की लेंथ होगी, लेंथ और प्लस वन, उतनी लेंथ की मेमोरी डायनामिकली एलोकेट करेगा किसके लिए, एस टी आर के लिए। और नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने पहले तो कॉपी कर दिया, देखिए क्या स्ट्रिंग कॉपी करो एस टी आर सी पी वाई किसमें, एस टी आर में, क्या एक्स डॉट एस टी आर, यहाँ पे डॉट आना चाहिए, डॉट एक्स डॉट एस टी आर, यानी कि एक्स में जो भी स्ट्रिंग का एड्रेस होगा उस स्ट्रिंग को कॉपी कर देगा किसमें, एस टी आर। और अब इसको हमें ज्वाइन करना किससे, वाई वाले स्ट्रिंग से, जो वाई में स्ट्रिंग होगा। तो देखिए हमने कनकेटनेट किया, यहाँ पे एस टी आर को कनकेटनेट करो किसमें, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे, यहाँ आपका आ जाएगा एस टी आर और y डॉट एस टी आर। तो जो भी एस टी आर में होगा आपका यहाँ पे स्टोर किया हुआ, उसके आगे से जो नेक्स्ट स्ट्रिंग है हमारा उसको भी मर्ज कर देगा, और वो किस में स्टोर हो जाएगा, मर्ज होके एस टी आर में। अब चलिए इनको देखते हैं मेन फंक्शन में कैसे कॉल करेंगे। देखिए ये हमारा मेन फंक्शन है, इसके अंदर हमने एक कैरेक्टर पॉइंटर टाइप n वेरिएबल लिया जिसमें मोहन स्टोर कर दिया, और यहाँ हमने क्या किया, डायनामिक क्लास नेम है हमारा, एस वन नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके अंदर n को पास कर दिया, n में क्या हमारा मोहन, तो इसका एड्रेस चला जाएगा। देखिए ये कहाँ जाएगा, मोहन लेकर के यहाँ आएगा देखिए, और यहाँ पे इसके अंदर आकर के लेंथ काउंट करेगा पहले मोहन की, फिर लेंथ में स्टोर कर देगा, फिर एसटीआर के लिए उतने साइज की डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करेगा, और फिर उस मेमोरी में एस में जो भी स्ट्रिंग है मोहन उसको कॉपी कर देगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या है। तो देखिए नेक्स्ट उसी के आगे से एस टू दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर हमने डायरेक्ट वैल्यू पास कर दी गीता, ये भी सेम कंस्ट्रक्टर में जाएगा यहाँ पे, और सेम प्रोसेस लेंथ काउंट करेगा, उतने लेंथ की मेमोरी एलोकेट कर देगा, एंड देन
कॉपी कर देगा किसको, एस को एसटीआर में। नेक्स्ट देखिए, एक ऑब्जेक्ट हमने के बनाया और एक ऑब्जेक्ट हमने पी बनाया। अब इनके अंदर हमने क्या किया, देखिए के डॉट मर्ज फंक्शन को कॉल किया। हम देख लेते हैं, देखिए मर्ज फंक्शन को जब कॉल करेगा तो उसमें क्या क्या पास किया, एस वन कोमा एस टू। देखिए एस वन में क्या आपका मोहन, एस टू में क्या आपका गीता, तो एस वन में तो मोहन और एस टू में गीता है। अब ये किसमें स्टोर करेगा, एम्परसेंट एक्स एम्परसेंट वाई में। यहाँ पे हमारा मोहन है और यहाँ हमारा गीता है। मोहन की लेंथ प्लस गीता की लेंथ जितनी भी होगी लेंथ में स्टोर करेगा, और एसटीआर में हमारा जो भी कुछ होगा उसको डिलीट कर देगा और नई मेमोरी एलोकेट कर देगा। कितने साइज की, जितने साइज यहाँ पे लेंथ में है उतने साइज की मेमोरी एलोकेट करेगा डायनामिकली, किसके लिए, एसटीआर के लिए। अब नीचे देखिए क्या किया हमने, एसटीआर में हमने कहा कॉपी करो एक्स डॉट एसटीआर। पहले एक्स में क्या हमारा मोहन, मोहन को कॉपी कर दिया, उसी में आगे कंकेटनेट कर दिया, जोड़ दिया मोहन के साथ गीता, तो ये मोहन गीता एक ही स्ट्रिंग होगा और एसटीआर में स्टोर कर देगा। किस ऑब्जेक्ट के साथ, के ऑब्जेक्ट के साथ। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने कहा पी डॉट मर्ज, फिर मर्ज फंक्शन को कॉल करेगा और हमने कहा के, यहाँ पे के कोमा आएगा, यहाँ डॉट नहीं कोमा आएगा। के मीन्स इसमें जो भी रिटर्न होके आया यहाँ से, यानी कि इसके अंदर हमने क्या किया था, इन दोनों को मर्ज किया है, तो इन दोनों का मर्ज किस में, के में। अब ये के साथ हम पास कर रहे हैं राम, डायरेक्ट स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं हम, और नहीं तो हम यहाँ एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको पास कर देते। तो देखिए यहाँ भी क्या करेगा, ये मर्ज फंक्शन को कॉल करेगा और यहाँ पे के में जो भी स्टोर था, यानी कि मोहन और गीता स्टोर था के ऑब्जेक्ट में, तो उसकी लेंथ लेगा प्लस राम पास किया हमने, राम वाई में है, राम की लेंथ, इन दोनों को मर्ज कर देगा लेंथ को और किस में स्टोर कर देगा, लेंथ में। और एसटीआर में जो भी होगा उसको अगेन डिलीट करेगा और अगेन मेमोरी इतने साइज की एलोकेट कर देगा एसटीआर में। एंड देन अब एसटीआर में फिर से हमें स्ट्रिंग को कॉपी करना है, किसको, जो भी एक्स में है। एक्स में क्या है हमारा, मोहन गीता जो हमने मर्ज किया था वो पास किया है, यहाँ पे के पास हो रहा है तो वो स्टोर कर दिया एसटीआर में। और नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने कंकेटनेट कर दिया किसको, जो वाई में स्ट्रिंग है, वाई में क्या है, राम, तो मोहन गीता के साथ राम को भी कंकेटनेट कर दिया और कंकेटनेट करके किस में स्टोर करेगा, एसटीआर में। अब हम जब डिस्प्ले करेंगे तो एस वन डॉट डिस्प्ले, एस वन में क्या हमारा एन, एन में क्या है मोहन, तो एस वन के लिए क्या डिस्प्ले कर देगा, हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे मोहन, जो भी हमने डिस्प्ले में फॉर्मेटिंग किया होगा उसके अकॉर्डिंग। देखिए क्या दिया हमने, सीधा प्रिंट करा दिया यहाँ, तो क्या दिया इसने, मोहन। और एस टू डॉट डिस्प्ले, एस टू की में क्या ट्रांसफर किया, गीता, तो यहाँ क्या डिस्प्ले कर देगा, गीता। के डॉट डिस्प्ले, के में हमने क्या क्या पास किया था, एस वन कोमा एस टू, एस वन में था मोहन, एस टू में था गीता, तो ये क्या दे देगा यहाँ पे, मोहन गीता ज्वाइन, ये ऐसे ही देगा, स्पेस नहीं देगा बीच में। अगर आपको स्पेस चाहिए तो यहाँ पे एक स्पेस दे दीजिएगा, या यहाँ इसके पीछे से स्पेस दे दीजिए, या फिर जी के आगे से स्पेस दे दीजिए, तो ये यहाँ भी स्पेस दिखा देगा। नेक्स्ट पी डॉट डिस्प्ले, अब पी में हमने क्या पास किया था, के में क्या था, मोहन गीता, तो मोहन गीता में और क्या कंकेटनेट किया इसने, राम, तो ये क्या दे देगा, मोहन गीता राम एक साथ ज्वाइन कर देगा यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पास किया के में ऑलरेडी एस वन एस टू ज्वाइन था, मर्ज था, और आगे हमने फिर राम को भी मर्ज कर दिया, तो ये आउटपुट आएगा एंड देन प्रोग्राम क्लोज। तो ये था हमारा कि डायनामिक एलोकेशन हम कर रहे हैं। देखिए डायनामिक एलोकेशन क्यों बोला, कि जब जितना स्ट्रिंग हम पास कर रहे हैं उतनी मेमोरी स्टोर करने से पहले डायनामिकली एलोकेट कर रहा है और स्ट्रिंग को स्टोर कर रहा है, और यही क्या कहलाता है हमारा, डायनामिक कंस्ट्रक्टर। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को हम रन करके भी देख लेते हैं। तो देखिए ये है हमारा प्रोग्राम जो हमने
अभी एग्जीक्यूट किया है, सेम प्रोग्राम लिया है मैंने, इसको रन करके देख लेते हैं। देखिए एक्स वाई जेड क्लास ली है, उसके अंदर स्ट्रिंग के लिए पॉइंटर str लिया है, लेंथ के लिए alien लिया है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में इन वेरिएबल्स को जीरो वैल्यू से इनिशलाइज किया है, और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में नीचे से जो वैल्यू पास हो रही है str में कॉपी करेगा स्ट्रिंग को और डिस्प्ले में डिस्प्ले कर देगा। और नेक्स्ट हमारा फंक्शन है मर्ज। मर्ज में सपोज दो ऑब्जेक्ट की वैल्यू है, उन दो ऑब्जेक्ट की वैल्यू को str में स्टोर करना, तो क्या करेगा पहले देखिए। यहाँ हमने इस फंक्शन को प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया है और यहाँ हमने इसका डेफिनेशन दिया है। तो यहाँ ओबीजे वन जो भी हमारी स्ट्रिंग आएगी ओबीजे वन में उसकी लेंथ प्लस ओबीजे टू के स्ट्रिंग की लेंथ लैन में स्टोर कर देगा, फिर जो भी str में पहले से होगा उसको डिलीट करेगा एंड देन नया मेमोरी एलोकेट करेगा एंड देन पहले ओबीजे वन डॉट str जो भी होगा उसको कॉपी करेगा str में, फिर उसमें आगे कंकेट कर देगा ओबीजे टू को भी एंड देन मेन में देखिए अब कैसे फंक्शन हम कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं। पहले ए नाम का ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें हमने मोहन पास किया, बी नाम के ऑब्जेक्ट में राम पास किया, सी नाम के ऑब्जेक्ट में सीता पास किया, और दो ऑब्जेक्ट हमने सिंपल लिए जिनके साथ हम मर्ज फंक्शन को कॉल करेंगे। तो चलिए अब इसको रन करके देख लेते हैं, कंट्रोल F9। ये देखिए ए में हमारा मोहन है, बी में हमारा राम है, सी में हमारा सीता है, डी में मोहन राम दो को मर्ज किया और ई में हमारा मोहन राम सीता को भी कंकेट कर दिया। तो यही हमने एग्जीक्यूशन भी किया था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत वीडियो देख सकें। थैंक यू वेरी मच।